हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बच्चों का फेवरेट प्लेडो। तो चलिए प्लेडो बनाना हम शुरू कर देते हैं। तो प्लेडो बनाने के लिए यहाँ पे हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून भर के नमक डालेंगे। उसके बाद हम उसमें 3 टेबलस्पून भर के गर्म पानी डालेंगे। पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये प्लेडो में नमक है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो नमक एंड पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब तक ये नमक डिजॉल्व ना हो जाए तब तक हम इस तरह से हिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नमक थोड़ा सा मेल्ट होने लगा है। तो अभी हम उसमें 1/2 स्पून भर के तेल डालेंगे। तो तेल मैंने मक्की का डाला है, मतलब कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब 1/2 मिनट तक हम इस तरह से हिलाएंगे। तो नमक हमारा पौना जितना डिजोल्व हो चुका है। तो हम उसमें फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो केक में फूड कलर डालते हैं वो हमने लिया है। तो सबसे पहले हम येलो वाला प्लेडो बनाएंगे। उसके बाद हम 1/2 कप भर के मैदा डालेंगे। तो ये प्लेडो मैदा से भी बना सकते हो और घेव का आटा से भी बना सकते हो, लेकिन मैदा से बहुत अच्छा बनता है, एकदम स्मूथ बनता है। और घेव के आटे से बनाना है तो पानी की मात्रा कम ज्यादा करना पड़ेगा और उतना ये स्मूथ नहीं बनेगा, मतलब जो मैदा से बनता है वैसा घेव का आटा से नहीं बनेगा। तो मैं फिर से 1 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 मिनट तक प्लेडो को मसल के रेडी कर लीजिए। तो लीजिए, हमारा येलो वाला प्लेडो रेडी हो चुका है। अब हम ये प्लेडो को एक जिपलॉक बैग में भर के स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा येलो वाला प्लेडो रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा प्लेडो बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वही हम रिपीट करेंगे। तो दूसरा प्लेडो बनाने के लिए फिर से हम 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। उसके बाद 1/2 स्पून तेल। उसके बाद हम ये प्लेडो है वो ब्लू वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर डाल देंगे। उसके बाद हम 1/2 कप मैदा और फिर से 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्लेडो बनाना है। आपको जो कलर पसंद है वो आप ले सकते हो।
तो लीजिए, हमारा ब्लू वाला प्लेडो भी रेडी हो चुका है, उसको भी हम जिप्लॉक बैग में डाल देंगे। उसी तरह हम तीसरा प्लेडो बनाएंगे। तीसरा वाला प्लेडो है वो हम पर्पल कलर से बनाएंगे। तो सेम इंग्रेडिएंट्स हमने बाउल में डाल दिया है, तो पर्पल प्लेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेड एंड ब्लू कलर हम मिक्स करके पर्पल कलर बनाएंगे। तो एक ही ड्रॉप्स हम रेड वाला डालेंगे, एक ही ड्रॉप्स हम ब्लू वाला डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कलर डाल के हम पर्पल कलर बना लेंगे। थोड़ा सा मुझे रेड कम लग रहा है तो मैं फिर से 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ रेड वाला। अच्छे से मिक्स करके फिर से हम मैदा का आटा डालेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से रेड एंड ब्लू कलर डाल के आप पर्पल कलर बना सकते हो। तो लीजिए, हमारा पर्पल कलर भी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये कोरोना की महामारी चल रही है और बच्चों की छुट्टी भी है और बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह से घर पे एकदम आसानी से प्लेडो बना के बच्चे आराम से खेल सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने ग्रीन वाला भी प्लेडो रेडी कर लिया है, तो वो प्लेडो को हम जिप्लॉक बैग में डाल के स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमने पिंक वाला प्लेडो बनाया है, तो पिंक वाला भी प्लेडो हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने रेड वाला भी प्लेडो बना लिया है। तो लीजिए, हमारा 6 कलर में प्लेडो रेडी हो चुका है। तो ये प्लेडो है वो आप जिप्लॉक बैग में भी स्टोर कर सकते हो, और आपके पास इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर है उसमें भी डाल के आप ये प्लेडो को स्टोर कर सकते हो। और जब भी प्लेडो के साथ खेलना है तब भी कंटेनर में से निकाल के खेल सकते हो। जब भी प्लेडो के साथ खेलना बंद हो जाए तभी क्या करना है, प्लेडो को फिर से कंटेनर में डाल के अच्छे से कवर कर देना है, ताकि ये प्लेडो है वो ड्राई ना हो जाए। तो इस तरह से आप घर पे एकदम आसानी से प्लेडो बना सकते हो, और ये सारी चीजें हमारे घर में आसानी से मिल जाती है और एकदम कम खर्च में ये प्लेडो रेडी हो जाता है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं, ताकि आप भी प्लेडो बना सके और बच्चे भी एंजॉय कर सके। तो आप इस तरह से घर पे एकदम आसानी से प्लेडो बना सकते हो। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, ताकि इस प्लेडो सब मम्मी बना सके और बच्चों आराम से खेल सके। तो चलिए, मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।